अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, इब्तदाई नाम में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा महकमे मनसूबाबंदी व तरक्या की असामिया जो कि हाल ही है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा गया है महकमे मनसूबाबंदी व तरक्याती हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज झेल हाली असामियों पर भर्ती के लिए मुनासिब बहाल उम्मीदवार से दरख्वास्त मतलूब है। दरख्वास्त इश्तहार के शाये होने के बाद 20 दिन यानी आज 28 हैं तो ये हम 18 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास ड्राइवर्स रिक्वायर्ड हैं, तादाद असामी 6 हैं, लिटरेट हों, LTV लाइसेंस हो और इसकी मुरम्मत और देखभाल भी कर सके गाड़ी की। उम्र की अगर देखा जाए तो 18 से 40 साल तक, कोटा जोनल तकसीम 4 है, जोन 1 जोन 2 से दोनों और जोन 2 से एक एक है और इस तरह एक। आक्रोप अगर देखा जाए तो तरजीहा खुवांद 18 से 40 साल, खुवातीन में 2, जोन 1 में 1 चौकीदार 2 रिक्वायर्ड है। तरजीहा खुवांद 18 से 40 साल, जोन 1 में 1 और जोन 2 में 1 चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट असामियाँ जो कि हैबर पख्तूनख्वा में निकली वो थी। इनमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि जोन 1 और जोन 2 से बिलोंग करते हैं। ये उसके कुछ ज़रूरी शराइत जवाब थे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त के साथ अपनी तस्दीकशुदा तालीमी इस्तान मकूल कंप्यूटर शादिकार्ड की काफ़ी डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट साइज तस्वीर मुतल करके बढ़ती तनख्वाह अलाउंस सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक पहले से सरकारी अपनी दरख्वास्त महकम। तो ये कुछ सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है और आप अपनी इस तरह करें दरख्वास्त इशारत के 20 दिन के अंदर अंदर आप सभी अमला महकमे से बंद उतरे पेशावर को पहुँचनी चाहिए। अब इस तरह करें आप अपनी सारे इस डॉक्यूमेंट्स को जमा करें और आप इसको भेज दें महकमे मनसूबाबंदी उतर गया थी सिविल सेक्रेटरीट खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, जैसे कि ये जो नीचे लिखा गया है आप इसको अपनी आप इसको इस पर भिजवा सकते हैं। उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अप्लाई करने में देर ना करें। वस्सलाम, बाय बाय।